पीएसडी नंबर वन न्यूज़ टीवी ते तुहाडा स्वागत है। गुरदासपुर सरकारी डाक्टर ने डीसी गुरदासपुर नूं दित्ता मंग पत्र ते कहा 25% एनपीए नूं मुढ़ली तनखाह देण दा हिस्सा जारी रख्या जावे। पत्रकार मनजीत सिंह गुरदासपुर दी खास रिपोर्ट, देखो लाइव तस्वीरां। मेन एजेंडा की है मंग? देखो अज पंजाब दे जिन्नियां भी डॉक्टर्स जथेबंदियां वा, भाएं ओह पीसीएमएस है, भाएं ओह डेंटल डॉक्टर ने, आयुर्वैदिक डॉक्टर ने, वैटनरी ऑफिसर्स ने, इस सारिया ने पंजाब के इतिहास के पहली बार एक जॉइंट फ्रंट कैंप किया, क्योंकि इतिहास से पहली बार हो रहा कि हमेशा जिहड़े सेंट्रल सरकार वालों पे कमीशन बनते हैं, ये हिस्टरी पहली बार हो रहा कि सेंट्रल सरकार के पे कमीशन तो पंजाब सरकार अपने डॉक्टर घट तनखाह दे रही है। और वह भी उस समय से जो पंजाब के डॉक्टर ने मोहरी होकर अपन जाना का रिस्क लैके लोगों की सेवा की है। और अज परमात्मा की मेहर के नाल अज असी कह रहे हैं कि जी कोविड की सैकेंड वेव है वह बिल्कुल फ्लैट हो गई है, वो ये सारे का सारा जोड़ा सिरा आ पंजाब के डॉक्टर्स में जाता। तो चाहिए तो यह कि सरकार साढ़े डॉक्टर निवाज दी। और बड़ी माड़ी गल है कि सरकार ये कह रही है, एफडी डिपार्टमेंट ये कह रहा कि सरकार एनपीए दे कट ला के 1.82 करोड़ का फायदा होएगा। सरकार किहड़े चक्करां च पै गई? चाहिदा तो यह सी कि सरकार इस वेले कोई 5 करोड़ का लोगों साढ़े डॉक्टर्स इंसेंटिव दे के उन्हों का हौसला बधाती, ता कि होर भी डट के दिन रात अपने पंजाब के लोगों की सेवा कर दे। पंजाब के डॉक्टर कदे भी नहीं चाहते कि सानू जी ओपीडी सर्विसिज बंद करनी पैनगी, कदे किसी हालात नहीं चाहेंगे। पर यह जे सानू करना पाया तो सीधी दी सीधी सरकार की जिम्मेवारी होएगी। सानू संघर्ष करने मजबूर होना पै रहा, यह सिर्फ सिर्फ सरकार की नलायकी है। असी सरकार नू यही बार बार बेनती भी करते हैं, चेतावनी देंगे कि जे सानू अगले दिनों संघर्ष तिखा करना पाया तो सीधी की सीधी जिम्मेवारी जी सरकार की होगी। धन्यवाद। बिल्कुल, ये अगले समय से डिसीजन लिया जाऊगा। असी सरकार को हमदर्दी भरिया हले आस कर रहे हैं कि सानू थोड़े दिन तक, क्योंकि सरकार ने सानू भरोसा दिता, सरकार के मंत्रियों ने कि असी 2-3 दिन तक सानू टाइम दो। पर जे सरकार नहीं करती तो असी किसी भी लैवल तक जोड़ा वा असी अपने एनपीए के कट सा बुनियादी हक है, ये तो कट नहीं लगन दें। डॉक्टर की नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर अशोक है जी, मैं आयुर्वैदिक डिपार्टमेंट तो एएमओ है जी। डॉक्टर अशोक जी, अज का जो तुम मंग पत्र दिता है, एजेंडा की है? मेन एजेंडा है जी, जरा एक डॉक्टर के नाम एक माण भत्ता 25% एनपीए मिलता सीगा, तो सरकार ने वो कुछ रद्दो बदल करके उन्हों मतलब डॉक्टर बहुत बड़ा इस गल उन्हों की तनखावों बहुत जोड़ा धक्का लगा उन्होंने, जोड़ा कि वह नहीं होना चाहिए सी। जबकि करोना की जी मार है जिदा चल रही थी, सारे डॉक्टर ने अपनी जान तली धर के जी जान करके रात दिन एक करके अपन सेवावान निभाइया ने, और करोना की लड़ाई में सरकार दे नाल रल के पूरी जदोजहद करोना की जित पाई है। तो वो रिवार्ड वजो स जरा होर कोई ना कोई एक्सट्रा मिलना चाहिए ही, जबकि जोड़ा एक भत्ते पहल मिल रहे थे उन्होंने कटौती कर दी गई, क्योंकि रणनीति रहेगी जो नहीं अगे फिर संघर्ष जोड़ा वो फिर ज़्यादा होर अगे करना पेगा। अजे तो मंग पत्र दिते हैं 2 दिन के अंदर अंदर समा जोड़ा सरकार को दिता गया कि 2 दिन के अंदर अंदर जोड़ा ये वापस लिया जाए और जोड़ा एन पी ए मान भत्ता जोड़ा मिलता वो उस तरह ही मिलता रहे। Subscribe to my channel and also press this bell icon.